हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते, सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार चल रहा है, और दीपावली पर सीएससी की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं, और जो ऑफर्स दिए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और दीपावली पर जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो बजट जारी किया जा रहा है या जिस तरह की सेवाएं लागू की जा रही हैं, वो बहुत ही अच्छी और लाभदायक सर्विस है। जो सर्विसेज कभी हम सी एस सी बी लीज भाइयों के लिए 1100 रुपये की हुआ करती थी, वो आज मात्र 10 रुपया और 1 रुपया में मिल रही हैं। तो आइए जानते हैं हम ऐसे कौन कौन से सर्विसेज हैं वो जो एक दीपावली के त्यौहार पर हमारे लिए उपहार बनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर में जाते हैं, जिसमें हम सर्च करते हैं DIGL, वहाँ पर हमको DIGL का एक इंटरफेस दिखाता है। ये DIGL के हम यूज़र आईडी पासवर्ड अपना डाल देते हैं, यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ये हमारे DIGL का इनबॉक्स खुल कर आता है। इनबॉक्स खुलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो मेल आई हुई है, हम इसको थोड़ा नीचे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 31 अक्टूबर को एक मेल आई हुई है, इंश्योरेंस धमाका और फेस्टिवल्स ऑफ फ्लाइट्स। हम यहाँ पर एक पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिएगा, रिक्वायर डियर वीएलईज, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट ऑल नॉन रेप वीएलईज कैन नाउ सेल इंश्योरेंस थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल बाय रजिस्टरिंग थिंग्स वीएलईज ऑफ वीएलईज। इसके बाद हम जैसे कि देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जस्ट रुपए 1 रुपए में। ये एक तरह से मान लीजिए कि दीपावली पर जो है सभी VLEs को सबून है। एक तरह से ये सर्विस जो 350 रुपए की मिलती थी, अब वो सभी VLEs भाइयों को मात्र 1 रुपए में मिल रही है। और इसी के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, रिकॉल टू रजिस्टर प्लीज फॉलो दिस लिंक। यहाँ इस लिंक पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद एक सामने आपके एक इंटरफेस आया था, इस तरह से खुल कर कि देखिए सामने एक इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ईयरली रजिस्ट्रेशन, अपीयर फी और LMS लॉगिन। सबसे पहले हम इसको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोलता है कि डिजिटल सेवा कनेक्ट करिएगा, इसको लॉगिन टू डिजिटल सेवा क्लिक कर देते हैं। CID और पासवर्ड डाल देते हैं, ऊपर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। सामने पर यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया था। इस तरह से यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करते हैं। उसके बाद हम फादर नेम एंटर करते हैं। उसके बाद हमसे मदर नेम मांगता है, और फिर उसके बाद ईमेल आईडी की डिटेल्स भर देते हैं अपनी। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मेल और फीमेल चूज करने को होता है, जेंडर चूज कर लेते हैं हम। उसके बाद ये ऑप्शन आता है रिलीजन का, उसके बाद हिंदू मुस्लिम जो भी है आप लोग, सिख जैन क्रिश्चियन वगैरह जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी का एक ऑप्शन दिया गया है, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है जनरल ओ बी सी एस सी जो भी है आपकी। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है। पासपोर्ट साइज देने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछ जाती है कि डेली क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, 10th क्लास है आप 10th क्लास कर दीजिएगा, 12th पास कर दिया, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन कर लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस बार दिया गया, एड्रेस को क्लिक करने के बाद हम अपना स्टेट चुन लेंगे। स्टेट चुनने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिएगा डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करने के बाद तहसील चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना एड्रेस क्लिक करेंगे, लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में, और सिटी चूज कर लेंगे। सिटी के बाद अपना पिन कोड जो भी हमारे एरिया का पिन कोड होगा वो हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड के। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप यहाँ पर सबसे पहले ये दे सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आई डी। इन पाँच जो ये पाँच ऑप्शन है, पाँच में से किसी एक को सेलेक्ट लीजिए, और इसमें अपना डॉक्यूमेंट्स नंबर, और यहाँ पर जो फाइल रखनी है वो 75 KB से कम की रखनी है। 75 KB से कम की फाइल होनी चाहिए, 75 KB से अगर ज़्यादा होगी तो
वो नहीं देगा। उसके बाद पैन कार्ड की कॉपी, यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे पहले, फिर उसके बाद पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कर देंगे। सही वही आपका सेम रहेगा 75 KB से कम। उसके बाद एजुकेशन का प्रूफ देना होता है हमको। एजुकेशन में आप जो भी आपने दिखाया वहाँ पर, यहाँ पर जो भी आपने क्वालिफिकेशन शो की है वो अपलोड कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद प्रोसीड टू पे खुलते हैं। प्रोसीड टू पे करने के बाद, उसके बाद हमारा एक ऐसे इंटरफेस इस तरह से पेमेंट स्लिप है वो खुल के आएगी। और यहाँ पर देखिएगा पेड अमाउंट आई है ये 1 रुपया, 1 रुपया इसको रियली इसको ये पे करना है। जिस रियली भाई ने अभी तक ये नहीं किया है वो फटाफट से कर लें, बहुत अच्छा ऑफर है। दीपावली पर इस तरह से सभी रियली इसको शगुन दिया गया है, तो सभी भाई लोग अभी इसको रजिस्ट्रेशन कर लें और इंश्योरेंस अलाव उठाएँ और अपने नज़दीकी सभी भाइयों को भी इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त कराएं। और तो क्लिक करें।